शाहरुख खान क्यों अपने बाल कटा के गंजे बने जवान फिल्म में, कारण जानकर हैरान हो जाओगे। और सलमान खान क्यों बिग बॉस के शो में सिगरेट फूंक रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो के अंत में। और क्यों आमिर खान की बेटी ने 4 दिन तक खाना नहीं खाया, रोने की वजह जानकर हैरान हो जाओगे आप। और क्यों सनी देओल 22 साल से बॉलीवुड में एक हिट मूवी के लिए तरस रहे हैं, जाने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 4, शाहरुख खान की जवान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। और ट्रेलर रिलीज होते ही शाहरुख खान ट्विटर पर ट्रेंड में आ गए हैं। और फिल्म के ट्रेलर में एक्शन सीन और शाहरुख खान का लुक दोनों ही लोगों को भा रहा है। ट्रेलर से साफ हो गया है कि मूवी काफी एंटरटेनिंग होने वाली है। और करीबन 2 मिनट के ट्रेलर में शाहरुख खान के कई लुक दिखाए गए हैं। और पहली बार शाहरुख पर्दे पर गंजे दिखाई दिए हैं। और इस फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं। और फिल्म की कहानी के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान की डबल भूमिका होगी, जिसमें एक बुरा तो एक अच्छा इंसान है। दीपिका उनकी प्रेमिका की भूमिका में दिखाई दे सकती हैं, वहीं नयनतारा पुलिस ऑफिसर बनी है। तो विजय सेतुपति के रोल को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि फिल्म की असली कहानी क्या है, इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी फिल्म निर्माताओं की ओर से नहीं दी गई है। और फिल्म के एंड को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ चौंका सकता है। जी हां, और शाहरुख खान के साथ ही फिल्म जवान में नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मणि, सान्या मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, रिद्धि डोगरा भी नजर आएंगे। जवान के निर्देशक एटली कुमार हैं और इसे गौरी खान के रेड चिली एंटरटेनमेंट ने बनाया। शाहरुख खान की ये फिल्म इस साल 7 सितंबर 3 भाषाओं में रिलीज होगी। वैसे आपको क्या शाहरुख खान का ये गंजे वाला लुक पसंद आया या फिर नहीं आया, जरा नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फैक्ट नंबर 3, सलमान खान इन दिनों बिग बॉस OTT का दूसरा सीजन होस्ट कर रहे हैं। और वो हर वीकेंड पर आते हैं, जैसे टीवी वाले बिग बॉस में वो आते थे। घर वालों को बताते हैं कि वो बाहर कैसे दिख रहे हैं, गाइड करते हैं, फटकारते हैं और कई बार तो थोड़ा सा ज्यादा भी कर देते हैं। बहरहाल इन सब के बाद में सलमान खान खुद फंस गए। जी हां, सलमान खान वीकेंड का वार के हालिया एपिसोड पर सिगरेट के साथ पकड़े गए और उसके बाद से उनकी भयंकर ट्रोलिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सलमान बिग बॉस के घर वालों को दुनिया भर का ज्ञान बांटते हैं और खुद स्टेज पर सिगरेट पीते हुए पाए गए। ये क्या चल रहा है, ये कैसा ज्ञान हुआ? अब देखिए दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 8 जुलाई को सलमान खान वीकेंड का वॉर वाले एपिसोड में पहुंचे थे और तमाम बातों के बाद में साइरस ब्रोचा घर से जाने की जिद करने लगे और सलमान ने उन्हें बहुत समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता है, मगर वो नहीं माने। इस बीच सलमान खुद स्टेज पर हाथ में सिगरेट पकड़े हुए देखे गए। हालांकि उन्हें शो के दौरान स्मोक करते हुए नहीं देखा गया, मगर आग लगाने के लिए इतना धुआं काफी था। बिग बॉस OTT जियो सिनेमा पर चल रहा है और ये शो 24 घंटे देखा जा सकता है, मगर रोज रात 9 बजे दिन भर में हुई घटनाओं को जोड़कर 1 घंटे का कैप्सूल तैयार किया जाता है। 9 बजे का ये एपिसोड लाइव हो जाता है। अगर आपने लाइव एपिसोड मिस कर दिया है तो फिर कुछ घंटे बाद आपको उसी एपिसोड का एडिटेड वर्जन देखने को मिलता है। 8 जुलाई को रात 9 बजे वीकेंड का वार वाला एपिसोड लाइव हो गया और इसी एपिसोड के एक हिस्से में सलमान खान हाथ में सिगरेट पकड़कर कंटेस्टेंट से बात करते हुए नजर आए। जिन लोगों ने ये एपिसोड रात 9 बजे लाइव देखा था, उन्होंने तुरंत ही ये चीज नोटिस कर ली और स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर इसे चलाने लगे। हालांकि कुछ घंटे के बाद में जियो सिनेमा पर जो एडिटेड वाला एपिसोड होता है वो अपलोड किया गया, जिसमें जाहिर तौर पर सलमान खान के हाथ में सिगरेट नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा सलमान ने साइरस को समझाते हुए फ और श बाकी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया था जिन्हें आप समझ ही सकते हैं। और वो साफ साफ समझ में आ रहे थे कि अगर साइरस यहाँ से चले गए तो उन्हें बाद में बहुत अफसोस होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर वो बचकानी जिद के चक्कर में एक चलता फिरता शो छोड़कर चले गए। बिग बॉस OTT शो है, यानी कि इसे नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ सिगरेट पीना या अपशब्दों का इस्तेमाल करना इलीगल नहीं है, मगर इसे नैतिक रूप से गलत बताया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर सलमान को हिपोक्रेटिक बुलाया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि जो चीज वो खुद नहीं कर सकते हैं उसके लिए वो दूसरों को मॉरल साइंस का लेक्चर कैसे दे सकते हैं। ज्ञान बांटने से पहले ज्ञान को खुद इम्प्लीमेंट भी करना होता है, वो भी अपने ऊपर। पिछले हफ्ते वो आकांक्षा और जाद हदीद को भारतीय सभ्यता का हवाला देकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किस करने से रोक रहे थे, परिवार और परवरिश की बातें कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब कहां गई परिवार और परवरिश और सभ्यता? खैर, आपको क्या लगता है कि सलमान खान ने सही किया सिगरेट पकड़कर लाइव शो में या फिर नहीं, जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फैक्ट नंबर 2, आमिर खान की बेटी आयरा ने बताया कि उन्होंने नीदरलैंड्स, जहां वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, वहां से वापस भारत लौटने का फैसला किया है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि उन्हें अब जीने की इच्छा नहीं है, तो मैं पूरा दिन सोया करती थी। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने हाल ही में डिप्रेशन के साथ अपनी लड़ाई पर खुलकर बात रखी है और आयरा खान ने बताया कि वो तकरीबन 5 साल तक डिप्रेशन से जूझती रही थी। उन्होंने बताया कि जब उनके माता पिता अलग हुए तो इस बात ने उन्हें खास प्रभावित नहीं किया था, लेकिन वो तकरीबन 1.5 साल तक बहुत मायूस रहा करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया था। और ईरा ने कहा कि उनके परिवार में मानसिक विकार लोगों को पहले भी रहे हैं। आयरा खान ने हाल ही में मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए अगस्तु फाउंडेशन लॉन्च की है। उन्होंने बताया कि उनके पिता आमिर खान और माँ रीना दत्ता
इस ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा है। आयरा खान ने बताया कि उनके पिता ने तब तक उन्हें फंडिंग में मदद नहीं की जब तक कि उन्हें जरूरत के मुताबिक फंडिंग नहीं मिल गई। एक न्यूज पेपर के साथ बातचीत में आयरा ने बताया कि उन्हें अपने मेंटल हेल्थ के बारे में एहसास तब हुआ जब वो 8 घंटे तक रोने के बाद 10-10 घंटे तक सोने लगी। आयरा ने बताया कि उन्हें नीदरलैंड्स, जहां वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, वहां से वापस लौटने का उन्होंने फैसला किया। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि उन्हें अब जीने की इच्छा नहीं है, तो मैं पूरा दिन सोया करती थी ताकि मेरे पास दिन में कम से कम जीने के लिए वक्त हो। आयरा ने बताया कि हालांकि उनके पेरेंट्स के अलग होने की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बहुत संवेदनशील वक्त था। और आयरा ने बताया कि उन्होंने अपनी हालत के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा कि वो लोग उनके बारे में जानकर परेशान होंगे, और ये सब कुछ उनके साथ करीबन 1.5 साल तक चल रहा था। इसके बाद इन्होंने 4 दिनों तक खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। और आयरा ने बताया कि उन्हें घबराहट नहीं होती थी बल्कि उन्हें साइक्लिक डिप्रेशन था जो कि कई फेज में लौटा करता था। आयरा की दवाएं अभी भी चल रही हैं। फैक्ट नंबर 1, गदर 2 फिल्म को लेकर गजब का हाइप बना हुआ है और इस फिल्म को हिट कराने के लिए न केवल स्टार कास्ट बल्कि मेकर्स भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जी हां, वहीं फैंस में भी इस फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है। फिल्म का पहला गाना उड़ जा काले कामा ने रिलीज होते ही रिकॉर्ड बना दिया, तो वहीं अब लोगों का इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट चरम पर पहुंच गया। लेकिन क्या आपको पता है कि गदर 2 में नजर आने वाले तारा सिंह का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है। इतना ही नहीं, 22 साल से एक्टर ने कोई भी हिट फिल्म नहीं दी है। ऐसे में सबकी नजरें गदर 2 पर टिकी हुई है। गदर फिल्म साल 2001 में आई थी जिसके ब्लॉकबस्टर होने के बाद सनी की इस साल रिलीज हुई फिल्म इंडियन भी काफी हिट साबित हुई थी और एक्टर की खूब तारीफ भी हुई थी, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया था। लेकिन इस फिल्म के बाद सनी देओल की किसी भी फिल्म की ना तो तारीफ हुई और ना ही किसी में उनके चर्चे हुए। इंडियन फिल्म के बाद सनी देओल की कई फिल्में रिलीज हुई लेकिन किसी भी फिल्म के चर्चे तो दूर, वो कब आई और कब चली गई किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यहां तक कि ये फिल्में डिजास्टर साबित हुई जिसमें शहीद, लकीर, जो बोले सोनिहाल, तीसरी आंख, नक्शा, बिग ब्रदर, खलीफा, खुदा कसम, आई लव न्यूयॉर्क, मोहल्ला 80, फॉक्स, राइट या रॉन्ग, भैया जी सुपरहिट, यमला पगला दीवाना फिर से, ढिचकियां, रोक सको तो रोक लो और ब्लैंक शामिल है। बीते 22 सालों की बात करें तो सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर करीबन 17 डिजास्टर और 10 फ्लॉप फिल्में दी हैं। ऐसे में सिर्फ 2 फिल्में हिट और 2 फिल्में एवरेज गई हैं। ऐसे में सनी देओल के इस डूबते हुए करियर को गदर 2 फिल्म का सहारा मिलने वाला है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस फिल्म का डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया है और इस फिल्म से सनी देओल एक बार फिर से तारा सिंह बनकर लौट रहे हैं, और ये वही तारा सिंह है जिन्होंने अपनी लेडी लव सकीना के लिए पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। तो क्या आपको लगता है कि इस बार सनी देओल की मूवी गदर 2 चल पाएगी या फिर नहीं? जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।